आप जिस संसार में रह रहे हैं उसकी अवस्था को देखा जाता है तो इसको कहते हैं भव रोग। प्रीतम अक्षरातीत की किरंतन वाणी कहती है कि सकीरी आत्म रोग विरो लग्यो या को दारू न मिले तभी। रोग की परिभाषा क्या होती है? जब आपको बुखार लगता है तो ये कहा जाता है कि बुखार है। बुखार होता क्या है? जब शरीर में विजातीय द्रव्य ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो बाहर निकलते हैं, वो तपन के रूप में दिखाई देता है। जुकाम होने का तात्पर्य क्या है? जब आपको जुकाम होती है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आपको गोली देता है और जुकाम बंद हो जाता है। आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपने तो जुकाम बंद करने के नाम पर शरीर से जो विजातीय पदार्थ निकल रहे थे उसको रोक दिया। अमूमन क्या होता है, थोड़ी सी बात संसार की कर देता हूं, जब बुखार होता है तो जो समझदार डॉक्टर होता है तुरंत इंजेक्शन नहीं लगाता। उसको मालूम है कि तुरंत दबाने का परिणाम क्या होता है, जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है पोलियो, पोलियो होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। जो शरीर में विकार है वो तो निकलेगा, और रोग क्या है, रोग विकार को निकालने का एक माध्यम है। संसार में क्या होता है, जन्म है, मरण है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, वियोग है, ये देखना है। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति संसार के इन दुखों से छूटना चाहता है? दो रोग है, एक है भव रोग और एक है आत्मरोग। भव रोग की दवा क्या है? आत्मरोग। भव रोग का तात्पर्य क्या है? संसार का हर प्राणी भाग रहा है किसके पीछे? प्रेम के पीछे, शांति के पीछे और आनंद के पीछे। खोजता किस में है? संसार में, परमात्मा से विमुख हो गया है। यदि किसी कारणवश परमात्मा के पास जाने का मार्ग भी थोड़ा मिलता है, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गिरजाघर गुरुद्वारे जाएगा, तो वहां भी माया ही मांगता है, संसार को ही मांगता है। कोई हजारों में, लाखों में कोई एक होगा जो यह प्रार्थना करेगा कि हे परमात्मा मुझे इस माया से छुड़ा दो। जानवरों का शिकार करते हुए किसी बाघ को देखिए, शेर को देखिए, शेरनी को देखिए, हिरन का बच्चा हो झपट्टा मारता है, शेर भी मारता है, शेरनी भी मारती है, छोटा सा मासूम बच्चा है चिल्लाता रह जाता है और वो जानवर उसका मांस नोच नोच कर खा जाता है, खून पी जाता है। उस योनि में बैठे हुए जीव को लगता है कि ये मांस में ही आनंद है, मनुष्य वाला कम क्यों रहेगा। आप चाइना में चले जाइए, दुनिया का कोई कीड़ा पतंगा नहीं है, जिस कॉकरेज से आप परेशान रहते हैं उस कॉकरेज का भी सूप बनाकर वो पी जाएंगे, दीमक की चट्टी बनाकर खा जाएंगे, कुत्ता बिल्ली जितना प्राणी है सब खा जाएंगे, और कई कीड़े मकोड़ों को तो जिंदा ही खा जाते हैं। आखिर क्यों? उनको ये लगता है कि इसमें शांति है, इसमें सुख है। सुख और शांति की खोज में भटकता हुआ प्राणी जब संसार में भटकता है तो उसको क्या कहते हैं? भव रोग। यह रोग है। रोग क्या है? मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, तीन ही चेतन की स्वाभाविक इच्छा है, शांति, प्रेम और आनंद। आनंद दो तरह का होता है। देखिए, एक आत्मिक आनंद होता है और एक इंद्रियों का आनंद होता है। इंद्रियों के आनंद को आनंद नहीं कहते, उसको सुख कहते हैं। सुख और आनंद में अंतर होता है। आनंद आत्मा का विषय है जो केवल परमात्मा दे सकता है। सुख संसार में मिलता है लेकिन उसके सुख के कई स्तर हैं। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, अभी तो मौसम थोड़ा बादल नुमा है तो गर्मी कम लग रही है। यदि आज के 10 दिन के बाद जो धूप होगी तेज हो सकती है, उस तेज तपती हुई धूप में आपको बैठाया जाए तो आप थोड़ी देर के बाद परेशान हो जाएंगे कि अरे बहुत तपन हो रही है। यदि आपको एसी कक्ष में रख दिया जाए क्या लगेगा? बहुत अच्छा लग रहा है। यह जो अच्छा लग रहा है इसी को सुख कहते हैं। और
और जो आत्मा को आनंद में डुबो दे रहा है, आत्मा को जब अच्छा लगे तो वह आनंद है, लेकिन आत्मा अच्छे और बुरे से परे है, वो केवल आनंद में डूबना जानती है। जीव दृष्टा होकर के बैठा है, जीव को इस भी इस अच्छाई और बुराई से लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत देता हूं, यहां की जो देसी गाय होगी वो धूप में भी बैठ जाएगी, विदेश की गाय होगी उसको धूप सहन नहीं होगी। एक ही जाति है गाय, उसकी नस्लें अलग है, गुड़ स्वभाव अलग है। जैसे आप गांव के लोग हैं, सुंदर सहत हैं, धूप में भी सहन कर लेंगे, थोड़ी देर धूप झेल लेंगे, लेकिन जो हमेशा एसी कमरे में रहता हो और उसको कह दीजिए कि धूप में बैठो तो तिल मिला जाएगा। प्राणी एक है, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, इंद्रियों का राजा क्या है? मन। मन को क्या चाहिए? देखिए, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण कहलाते हैं, इनके बिना जीव कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जीव के अंदर जो इच्छा है सुख की, प्रेम की और शांति की, सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति को खाने के लिए कुछ नहीं है और एक व्यक्ति है जो सोने के महल में रह रहा है। सोने के महल में रहने वाला भूख से तो पीड़ित नहीं है, लेकिन उसको भी एक पीड़ा है कि उसके पास शांति नहीं है, चिंताओं का जाल उसे घेरे हुए। और एक व्यक्ति है जो दो रोटी के लिए तरस रहा है, वो सोचता है कि पहले ये कमी पूरी हो तब तो मैं शांति के बारे में सोचूं। संसार में कोई भी कहीं भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं आनंदित हूं, सुख का दावा करेगा लेकिन उसके भी सुख में कोई ना कोई कमी रहेगी। सांसारिक सुख रहेगा तो मानसिक सुख शांति उसके पास नहीं रहेगी। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा है कि यदि मनुष्य इतना प्रतिभाशाली हो जाए कि आकाश को भी चमड़े के समान लपेट ले, संभव नहीं है। आकाश तो सूक्ष्म पदार्थ है, कपड़े को आप लपेट सकते हैं, आकाश को थोड़े लपेट सकते हैं। यदा चर्मवत आकाशम वेष्ट इष्यन्ति मानवा, मनुष्य इतना समझदार हो जाए, बुद्धिमान, कि आकाश को भी लपेट ले तो भी जब तक वह परमात्मा को नहीं जानता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सच्चिदानंद परमात्मा क्या है, तब तक उसके दुखों का अंत नहीं होगा। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जब तक आप सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में जानेंगे नहीं, उसको अपने हृदय मंदिर में बसाएंगे नहीं, तब तक संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको दुखों से छुटकारा दिला सके। महाभारत के युद्ध को देखिए, भगवान श्री कृष्ण जिन पांडवों के साथ हैं उनको भी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ता है। रामावतार में पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं विष्णु स्वरूप राम सीता के लिए वन वन में भटकते हैं। हरिश्चंद्र उनको चंडाल की नौकरी करनी पड़ती, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। सबके पास दुखों की एक बहुत बड़ी कहानी है, संसार दुखमय है, लेकिन यदि घर में कोई व्यक्ति बच्चा अध्यात्म की तरह मुड़ता है तो घर वाले पहले ही डंडा उठा लेते हैं। उनको क्या रहता है कि ये भक्ति की तरफ जा रहा है, कहीं घर छोड़ देगा तो जो इसे स्वार्थ हमारा पूरा होना है वो नहीं पूरा होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि अभी ये उम्र थोड़े है परमात्मा को जानने की, बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापे में बहाना क्या बना लेते हैं, कमर में दर्द हो रहा है, ये तकलीफ है, अब कैसे करें भक्ति। जब करने का समय था, परमात्मा को जानने का समय था, तब तो बंधन लगाते रहे। सभी जानते हैं कि हमारा हर संबंधी एक दिन बिछुड़ जाएगा, हमारे माता पिता भी, संगे संबंधी भी, भाई बंधु भी बिछुड़ जाएंगे। हम जो 10 बार अब शीशे में दर्पण में अपने चेहरे को देखकर उसका श्रृंगार क्या करते हैं, बुढ़ापे में यह सौंदर्य भी चला जाएगा, हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। फिर भी मनुष्य शरीर के सौंदर्य के पीछे भागता है, आत्मा के सौंदर्य के बारे में वो नहीं जानता कि आत्मा का स्वरूप क्या है। मन को अपना सुंदर नहीं बनाना चाहता, मन की सुंदरता क्या है? मन पवित्र हो जाए, मन केवल परमात्मा की चाहना करे, तृष्णाओं के पीछे भागना बंद कर दे, इसको कहते हैं मन की सुंदरता। मन बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है, सुख के संबंध में विषयों से सुख जो उसको मिलता है तो वो क्षणिक सुख होता है,
आत्मा को जो परमात्मा का आनंद मिलता है तो उसका अनुभव मन भी करता है थोड़ी अवस्था में। विषयों में सुख नहीं है, लेकिन यदि मैं कहूं जैसे कोई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई है, आपके सामने एक भिक्षुक बैठा है, आप खा करके उसका आनंद ले रहे हैं, यदि आपकी प्रवृत्ति रंतिदेव की तरह हो जाए, आप स्वयं न खाकर उसको खिलाकर देखिए आपको कैसा लगता है। जिस संसार की तृष्णा के पीछे आप भाग रहे हैं उसका यदि प्रत्याग कर देते हैं तो उससे 16 गुना अधिक आनंद मिलेगा। मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, वेद व्यास जी ने योग दर्शन की टीका में लिखा है कि यच्च काम सुखे लोकम लोके यच्च दिव्यम महातृष्णा छयात न रहते सोटसी कलम। संसार में जो भी सुख है उसका यदि त्याग कर दिया जाए तो उसके तृष्णा के भोग से 16 गुना अधिक सुख होता है, लेकिन मनुष्य कौन छोड़ना चाहता है। यही तो है आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति क्या होती है। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है, दैवी प्रकृति का जो व्यक्ति होता है दूसरों के लिए सुख के लिए जीता है। एक बार असुरों ने शिकायत की प्रजापति ऋषि के पास कि हमारे साथ हमेशा पक्षपात होता है, जब कोई कार्यक्रम होता है कुछ भी होता है तो देवताओं को आगे रखा जाता है, हमें पीछे कर दिया जाता है। अब जो यज्ञ हो रहा है उसमें पहले हम भोजन करेंगे। प्रजापति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें ही पहले भोजन करने को मिलेगा, लेकिन शर्त क्या होगी कि तुम्हारे हाथ की कोहनी पर एक लकड़ी बांध दी जाएगी, जैसे ये हाथ है ऐसे बांध दिया जाएगा, हाथ मुड़े नहीं। देवताओं को कहा गया कि तुम्हें बाद में भोजन मिलेगा, आज पहली बार असुरों को भोजन दिया जाएगा। अब असुरों ने तो केवल खाना ही सीखा था, दूसरों को कभी खिलाया ही नहीं था। असुर किसको कहते हैं, दस्यु किसको कहते हैं? असुर और दस्यु शब्द का अर्थ होता है जो लूटता है, बलपूर्वक दूसरे के धन को लूटने वाला असुर कहलाता है। देवता किसको कहता है, कहते हैं जो केवल देना जानता है लेना नहीं जानता। असुर केवल लेना जानता है, चाहे प्रेम से ले या जबरदस्ती ले, दोनों की मानसिकता में अंतर होता है। भोजन करने के लिए कहा गया, असुर उठा करके अपनी थाली में से ऐसे उठाने का प्रयास करते हैं, ये हाथ की कोहनी मुड़ती नहीं थी, ऊपर से डालते थे, कभी नाक पर गिरता था भोजन, कभी कुछ कभी कुछ, एक दाना भी अंदर नहीं गया, सब परेशान होकर छोड़कर बैठे। देवताओं का समय आया, देवताओं ने सोचा कि कोहनी तो हमारी मुड़ेगी नहीं, क्योंकि देवताओं ने हमेशा देना सीखा था, कभी लेना सीखा ही नहीं। परिणाम क्या हुआ, सबने आमने सामने पंक्ति बनाई और दूसरे के मुख में खिलाने लगे, सबका पेट भर गया। प्रजापति ने हंसते हुए कहा कि देखो भोजन वही है, सब कुछ वही है, तुम्हारी मानसिकता दूषित है। तुम अपने बारे में सोचते हो कि कल मुझे खाने को मिले, तो इसलिए जो देना जानता है वही आगे बढ़ता है। संसार में अपने स्वरूप को कौन जानता है। यहां जितनी माताएं बहने बैठी है, भाई लोग भी बैठे हैं, आप अपने शरीर को ही तो देख रहे हैं। आपकी इंद्रियां संसार के सुखों को पाना चाहती है, आपकी जीवा स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहती है, नासिका सुगंध लेना चाहती है, आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, पांचों इंद्रियां पांचों विषयों का भोग कर रही है, मन इनका राजा बनाए बैठा है। जब मन को इंद्रियों की चाहना के अनुसार पदार्थ मिलते हैं तो मन थोड़े समय के लिए बहुत खुश होता है, बहुत सुख है। अरबपति को देखिए, करोड़पति को देखिए, उनके पास वैभव विलास है, उनसे पूछिए आप कैसे हैं, तो कहेंगे कि बहुत सुख है, लेकिन क्या शांति भी है? नहीं, क्योंकि जो उनको सुख मिल रहा है वो क्षणिक सुख मिल रहा है। इस संसार में अखंड शांति मिल ही नहीं सकती, अखंड सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हर पदार्थ का स्वरूप बदलता जा रहा है। मैं आपको एक बताता हूं, आपके पास 8 तरह के फल रख दिए जाए, काट कर केला भी रख दिया जाए, अंगूर भी रख दिया जाए, आम भी रख दिया जाए, मैं पूछूं किसका स्वाद ले रहे हैं आप? थोड़ा सा एक और केला खा रहे हैं, एक और आम खा रहे हैं, एक और अंगूर खा रहे हैं, अब क्या स्वाद बताएंगे?
क्योंकि हर क्षण तो रूप बदल रहा है, हर फल का स्वाद अलग अलग है। उसी तरह सृष्टि में हर कण परिवर्तित होता रहता है, हर कण का रूप क्षणिक है, परिवर्तित होता रहता है, हमें उसका पता नहीं होता। हम बचपन में कुछ और रूप रंग के होते हैं, युवावस्था में हमारे चेहरे की आकृति बदल जाती है, पता नहीं चलता। 70 साल के होते होते हमारा चेहरा बिल्कुल बदल गया होता है। कहने का से क्या है, सृष्टि में हर पदार्थ में पल पल परिवर्तन हो रहा है। सूर्य बदल रहा है, चंद्रमा बदल रहा है, ऋतुएं बदल रही है, पृथ्वी बदल रही है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में शाश्वत शांति की आशा करना, शाश्वत सुख की आशा करना संभव नहीं है, और चाहेंगे भी तो पूरा नहीं होगा। लेकिन जो मनुष्य इसी को सब कुछ मानता है वो क्या है, भवरोग का शिकार है। भवरोग से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर आत्मरोग होना पड़ेगा। भवरोग की प्रवृत्ति क्या है, संसार ही अच्छा है और संसार में हमें सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। ऐसे लोग यदि परमात्मा के मार्ग पर भी चलने का प्रयास करते हैं, मंदिर जाएंगे, आश्रम जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, तो क्या कहेंगे, हे परमात्मा मुझे इतना धन दे दो, मुझे ये पद पर बैठा दो, मुझे ये दे दो, क्योंकि उन्हें संसार में सुख है। इसको क्या कहते हैं, प्रेयानंद। और एक है श्रेय आनंद। श्रेय क्या है, आत्मा का आनंद। विवेकानंद के पिता का देह त्याग होता है, उनके पिता बहुत संपन्न थे, लेकिन जब शरीर छोड़े तो परिवार पर कर्ज ही कर्ज बढ़ता गया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि युधिष्ठिर बताओ संसार में सबसे सुखी कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ऋण से हीन संतोषी व्यक्ति ही सबसे अधिक सुखी है, जिसके ऊपर किसी का कर्ज नहीं होता। विवेकानंद के परिवार में कर्ज ही कर्ज बढ़ता गया था, स्थिति ऐसी बन गई थी कि भाइयों को बहनों को सबको भूखों सोना पड़ रहा था। विवेकानंद जाते हैं रामकृष्ण परमहंस से यह सोचकर कि परमहंस जी आप कृपा कीजिए, मैं परिवार के लोगों को भूखा नहीं देख सकता। विवेकानंद से कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जाओ मंदिर में माँ से मांग लो। विवेकानंद जाते हैं यह सोचकर कि माँ से मांगूंगा कि मेरी नौकरी लगवा दो ताकि मेरे परिवार के लोगों को भूखा तो ना रहना पड़े। विवेकानंद जब भी जाते हैं यही कहते हैं कि माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। 3 बार जाते हैं, 3ों बार यही मांग लेते हैं कि ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। आप लोग तो नहीं मांगेंगे, आप जितने बैठे हैं क्या मांगेंगे। एक बार परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी से बनारसो बंजे ने शिकायत की कि महाराज जी आप चाहें तो सबको परम धाम दिखा सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि भाई मैं दिखा तो कोई देखना ही नहीं चाहता। बनारसो बंजे ने जिद की, देखना तो सब चाहते हैं, आप ही दिखाना नहीं चाहते। उनकी जिद पर महाराज जी ने कहा कि अच्छा मैं आज दिखा दूंगा, जो जो मांगेगा आज उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, सबको लाइन में खड़ा करा दो। सबको लाइन में हो गया, ये नहीं बताया गया कि महाराज जी परम धाम दिखाने के लिए कह रहे हैं। ये कहा गया कि आज जो मांगेगा महाराज जी उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। लाइन लगाती गई, कोई कहता है कि मेरी बहू मेरे से नाराज है, कोई बुढ़िया कहती है कि मेरे एक पोता नहीं हुआ मुझे पोता हो जाए, कोई कहता है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, सबने संसार की बात मानी। पूरी पंक्ति जब खत्म हो गई महाराज जी ने कहा कि देखा एक ने भी क्या कहा कि मुझे परम धाम दिखा दीजिए, यदि कोई कहता तो मैं आज दिखा देता। यही है भवरोग, संसार में ही जीना है, संसार में ही मरना है, और ये संसार का बंधन है। ऐसा है कुत्र भी को अभी न सुखी, इस संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। सारी पृथ्वी का धन किसी को दे दीजिए तो भी उसको संतुष्टि नहीं होनी है। संसार के सारे सुखों का कोई भोग करेगा तो क्या करेगा, 5ों इंद्रियों से 5 तरह के ही विषय तो भोग भोगेगा। आंखें रूप को देख सकती हैं, त्वचा कोमल स्पर्श का सुख ले सकती है, जीवा अच्छे अच्छे पदार्थ खा सकती है, कान मधुर ध्वनि सुन सकते हैं, इससे अधिक सुख कुछ है ही नहीं। लेकिन वो भी क्षण भर के लिए, जैसे मृतृष्णा का जल होता है। मृतृष्णा के जल में क्या होता है, दूर चारों तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान दिखाई देता है,
हिरण प्यास से व्याकुल हो जाए, जब सूर्य की किरणें बालू पर पड़ती हैं तो वहां लगता है कि पानी जमा है, जलाशय। हिरण जब भाग करके वहां जाता है तो वहां पानी तो एक बूंद नहीं मिलती, वहां बालू ही बालू दिखाई देती है। वहां से दूर देखता है तो फिर वहां भी लगता है कि वहां पानी है। वैसे ही ये संसार है, हम सोचते हैं कि इस सुख की प्राप्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। सामान्य रूप से आप कोई आभूषण खरीदते हैं, कोई अच्छे वस्त्र पहनते हैं, कितने दिन अच्छा लगता है? कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, उसके बाद तो वो भी मैला कुचैला होता है। फिर इच्छा होती है नए आभूषण की, नए वस्त्र की। कुछ खाते पीते हैं वो थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। सबसे अच्छा कौन है? संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वह संसार नश्वर है। अखंड वस्तु क्या है? आत्मा। और अखंड आनंद कहाँ है? परमात्मा में। भव रोग से हट को मिटाने का एक ही तरीका है कि आत्मा रोग रख जाए। राणा जी की वाणी क्या कहती है? सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी, चौदह भवन में न पाइए सो हुआ हाथ भी। दारू क्या है? ब्रह्मज्ञान ही एक औषधि है। ब्रह्मज्ञान ऐसी औषधि है जो सभी प्रकार के भव रोगों को मिटाने में समर्थ होती है। आत्मरोग किसको कहते हैं? आत्म रोग का सो कहिए, जिन पीठ दई पर आदम, सो ए रोग क्यों ये ना मिटे, जोलो ना देखे मुख ब्रह्म। आत्मरोग क्या है? हमारी परात्म को छोड़कर, हमारी परात्म फरामोशी में, जो पीठ दई परात्म, हमारी आत्मा परात्म को पीठ दे चुकी है, वो नहीं जानती कि मेरा निज स्वरूप क्या है। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। जीव शरीर से जुड़ा है, इंद्रियों से जुड़ा है। अपने अंतःकरण के माध्यम से, मन के माध्यम से यह जीव संसार में भाग रहा है। संसार में परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसकी तरफ प्रवृत्ति किसकी होती है? जैसे अभी कार्यक्रम चल रहा है, मैं अधिकतर कार्यक्रम में जाता हूँ, देखता हूँ, जो सबसे बुजुर्ग माताएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतित होती हैं घर के लिए। उनका ध्यान कहाँ पर रहता है? पोते पर, इधर उधर बात में। कहीं जगह मैंने देखा है, यहाँ माताएं शांति से बैठी हैं, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है सबसे पहले उठने में बूढ़ी माताएं ही आगे होती हैं। वो कितने दिनों की मेहमान होती हैं? संसार में कुछ दिनों की। शरीर छूट जाएगा, घर वाले दाह संस्कार कर देंगे, बस इतनी तो कहानी है, फिर भी मुंह नहीं छूटता। उनको परमात्मा से प्रेम नहीं होता, उनका दोष नहीं है, वो मन के पीछे भाग रही है। मन क्या चाह रहा है? मन इन आंखों से देखता है। देखिए, ये आंखें किसको देखेंगी? शरीर को देखेंगी। भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, कुल खानदान का रिश्ता, ये कौन देख रहा है? हमारी आंखें। इन आंखों का राजा कौन है? मन। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये चार अंतकरण है जीव के साथ जुड़े हुए। जिन आंखों से संसार दिख रहा है वो संसार प्रिय लग रहा है। जो संसार के विषय दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है। मैं कहूं परमात्मा का ध्यान कीजिए तो आप क्या कहेंगे? किसने देखा है परमात्मा को? आमतौर पर लोग यही कहते हैं, और अध्यात्म की राह पर चलने वालों की खूब हंसी उड़ाते हैं कि ये लोग निठल्ले बैठे रहते हैं, क्या करते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान बुद्ध किसी के घर गए भिक्षा के लिए। वो किसान था, उसने व्यंग में कहा कि भगवान, आपके साथ इतने भिक्षु रहते हैं, सब लोग आराम से खाते पीते हैं, देखिए मैं हूँ, मैं कृषि करता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, अपने परिश्रम का खाता हूँ, आप तो बिना परिश्रम किए भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हैं। बुद्ध ने कहा कि नहीं भाई, तुम भी खेती करते हो, मैं भी खेती करता हूँ, अंतर इतना ही है कि तुम दिखने वाली धरती में खेती करते हो, जो फसल पैदा करते हो वो शरीर का भोजन है, मैं जो फसल पैदा करता हूँ वो आत्मा का आहार है। मैं श्रद्धा की भूमि में
जान के हल चलाता हूं और वैरागी का बीज बोता हूं, उसमें मुक्ति की फसल तैयार होती है। जान, वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण, पुरुषार्थ, इसके द्वारा मैं खेती करता हूं। तुम भी खाद पानी डालते हो, बीज बोते हो, हल जोतते हो, तो वैसे मैं भी करता हूं। तरीके अलग अलग हैं। तुम्हारी जो फसल है शरीर का पोषण करती है, मेरी जो फसल है आत्मा का पोषण करती है। यही भाव रोग में और आत्म रोग में अंतर है। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा के अंदर भी चाहना है। चाहना मन के अंदर भी है। मन विषयों की चाहना करेगा, आत्मा केवल परमात्मा की चाहना करेगी। मूर्ता व्यक्ति स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि तो चेतन है, तभी तो कोई चाहेगा। जीव दृष्टा होकर के देख रहा होता है। जैसे एक रथ है, रथ आजकल नहीं दिखाई देते, आप तांगा गाड़ी समझ लीजिए समझने के लिए। लेकिन राजाओं का जो रथ होता था, सजा धजा होता था, उसमें कई कई घोड़े जूते जाते थे। आजकल तांगे में तो ये कई मरा सा दुबला पतला घोड़ा होता है और घोड़ेवान उसको डंडे मारता रहता है। रथ में ऐसा नहीं होता। एक रथ है जिस पर रथी बैठा है, एक सारथी भी है। घोड़े यदि सही दिशा में चलेंगे तो जो रथ पर रथी बैठा है वो सही जगह पहुंचेगा। यदि घोड़े बिदक गए तो क्या होगा? वो गड्ढे में भी रथ को गिरा सकते हैं। बुद्धि क्या है? सारथी है। मन क्या है? लगाम है। इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। यदि आपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, इंद्रियों को नियंत्रण कौन करेगा? लगाम। लगाम को नियंत्रित कौन करेगा? बुद्धि। इंद्रियों का राजा है मन। मन को नियंत्रित करने वाली है बुद्धि। अब बुद्धि का नियंत्रण कहां से होता है? ज्ञान से, सात्विक आहार से। जब ये चीजें होती हैं तो परिणाम क्या होता है? हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। वैसे ही यदि आपकी आत्मा जीव के ऊपर दृष्टा होकर इस खेल को देख रही है, जीव को ज्ञान का प्रकाश चाहिए। जब तक शुद्ध हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, भव रोग से मुक्त नहीं हो सकते। देखिए, आप किसी शमशान घाट में चले जाएं, संसार की वास्तविकता का पता चब चलेगा। आप दिल्ली के एम्स में चले जाइए, आपको लगेगा कि संसार कितना सुखमयी है। आप अपने घरों में बैठे हैं, प्रतिदिन पिक्चर देखते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, वातानुकूलित कक्षों में शयन करते हैं, आपको लगता है क्या बहुत सुख है संसार में? आपके जीवन में कभी कभी मृत्यु की घड़ी आती है, परिवार में किसी का शरीर छोड़ता है, उस दिन रोना पीटना होता है। दो चार दिन लोग रोते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि इस पापी पेट को भरना होता है, पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। लोग पुराने अतीत को भूल जाते हैं, साल में एक बार याद कर लेते हैं कि हमारे घर में इनकी डेथ हुई थी। हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, यह ज्ञान किसी किसी को बिरले को प्राप्त होता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, संसार एक प्रवाह है। इस प्रवाह में पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। जैसे आप ही हैं, आए हैं, चर्चा सुनेंगे, पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ था। एक साल में एक बार कार्यक्रम होता है। यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होती है, प्रतिदिन आप परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? जैसे औषधि दी जाती है बुखार की, पहली खुराक से तो ठीक नहीं होती, कई खुराक देनी पड़ती है। उसी तरह से जब तक आपके हृदय में अटूट निष्ठा न हो जाए, ज्ञान का अखंड प्रकाश न हो जाए, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, तब तक जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। तभी वाणी कहती है
ये रोग क्यों ये ना मिटे, जोलो ना देखिए मुख ब्रह्म। ये भवरोग आत्मरोग लग जाए तो समझ लीजिए कि भवरोग को मिटने का संकेत हो चुका है। लेकिन जब तक आत्मिक रोग नहीं लगेगा, आत्मिक रोग क्या है? आत्मा में आनंद खोजना। भवरोग क्या है? भव या अर्थात संसार में आनंद खोजना। ए रोग क्यों ये ना मिटे, जोलो देखे ना मुख ब्रह्म। सखेरी आत्म रोग वरो लगियो। ये आत्मरोग क्या है? आत्मा अपने प्राणेश्वर को देखना चाहती है। मैं कौन हूँ, आई कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है। जब इन इस सत्य का प्रकाश हो जाए, हमारी आत्मा जब प्रीतम को पाने के लिए तरसे, उसकी तरफ प्रेम से कदम बढ़ाए और उनका प्रत्यक्ष दीदार हो, तो समझ लीजिए कि अब हमारे लिए भवरोग मिटने का समय आ गया है। ये मानव तन मिला है केवल संसार के चक्र से छूटने का। चक्रवर्ती सम्राट हो या झोपड़ी में रहने वाला, जो जब तक जन्म मरण के चक्र से छूटता नहीं, तब तक उसको शाश्वत शांति, शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हम जाएंगे कहाँ, उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, क्योंकि संसार तो अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है। ब्रह्मज्ञान का मिलना दुर्लभ होता है और यही हमारे जीवन का सबसे रोपर लक्ष्य होता है। सूरज उगता है, दोपहर में तपता है, शाम को ढल जाता है, वैसे जीवन की भी शाम कभी न कभी ढल ही जाती है। हम चाहें कि भी मरे नहीं तो शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होता है। जो हम हैं वो कभी मरने वाले नहीं हैं। जो हमारी आत्मा है न मरेगी न कभी जन्म लेगी। जन्म शरीर लेता है, मरता शरीर है, लेकिन यही शरीर ब्रह्म ज्ञान का साधन बनता है, परमात्मा को मिलाने वाला होता है।